प्रहलाद जी बोल हिंदी में अनुवाद करेंगे। ताली बजा के प्रभु का दास को हम स्वीकार करें। Greetings to you all in the name of the most precious name of the Lord and Savior Jesus Christ. I believe you all enjoyed the message Pastor P.M. John has spoken about the cross. और मेरा विश्वास है कि क्रूस के ऊपर पास्टर पीएम जॉन ने जो संदेश दिया उसका हमने आनंद उठाया। हालेलुया, हालेलुया। Can you say hallelujah? क्या हालेलुया मिलकर बोलें? Are you happy in the Lord Jesus? यीशु मसीह में क्या आप खुश हैं? If you are happy in the Lord, give a smile for me. अगर आप प्रभु यीशु मसीह में खुश हैं, तो आपके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आए। Hallelujah. Hallelujah. Nobody is smiling. कोई भी मुस्कुरा नहीं रहा है। So serious. बहुत गंभीर है आप। You think that you are here to celebrate the funeral of Jesus? आपको बिल्कुल लगता है कि यीशु मसीह के दफनाने की क्रिया में आप शामिल होने के लिए आए? Or you are happy that our Lord is still alive? क्या आप खुश हैं कि हमारा प्रभु यीशु जिंदा है? You know, sometimes if we, there are two type of celebration of this Good Friday. और Good Friday, अच्छा शुक्रवार का दो प्रकार का जश्न मनाया जाता है। If you don't know how to celebrate Good Friday, अगर Good Friday को मनाने को आप नहीं पता है, then you can celebrate wrong. और फिर आप गलत तरीके से उसको मनाएंगे। How could it be wrong? और कैसे गलत होगा? To have a funeral of a living father, और एक जीवित पिता का अंतिम संस्कार को निभा रहे ऐसा होगा। Father is alive, पिता तो जीवित है, and you are having a funeral service there. लेकिन आप उनके अंतिम संस्कार की क्रिया को निभा रहे। Sometimes you see that our Lord Jesus is alive, और अनेक बार हम देखते हैं हमारा प्रभु यीशु मसीह जिंदा है, and we are having a funeral service for him. और हम उनके अंतिम संस्कार की क्रिया को निभा रहे हैं। Let me tell you, according to the Bible, मैं आपको बताऊंगा बाइबल के मुताबिक, sunset to sunset is a day. और सूर्य अस्त से सूर्य अस्त तक एक दिन है। So already today we are in Friday now. और अभी हम शुक्रवार में पहुंच गए हैं। We are not going to be Friday tomorrow morning. और कल सुबह शुक्रवार नहीं होगा। We are already in a Friday. और शुक्रवार में हम प्रवेश कर चुके हैं। Hallelujah. Hallelujah. So coming to the word of God, प्रभु के वचन में हम प्रवेश करेंगे। I would like to read from the Bible. बाइबल से मैं पढ़ना चाहूंगा। Galatians chapter 4 verse 19. गलातियों की पत्री चौथा अध्याय 19 पद। In the Bible of my Bible in NIV says, NIV Bible में इस प्रकार लिखा है, My dear children, हे मेरे बालको, for whom I am again in the pain of childbirth, और मैं तुम्हारे लिए जचा किसी पीड़ाएं सहता हूँ, until Christ is formed in you, जब तक तुम में मसीह का रूप ना बन जाए। हालेलुया, हालेलुया। Paul brought this message to the church in Galatia, और गलातिया के कलीसिया के लिए प्रेरित पौलुस ने यह संदेश प्रस्तुत किया। It's the experience of every pastor who pastors the church. और ये प्रत्येक पासवान का अनुभव है जो कलीसिया का पासवानी करता है। The main responsibility of a man of God, a pastor who served the church, और मुख्य उत्तरदायित्व एक पासवान का जो कलीसिया का निगरानी करता है, he would like to see Christ is formed in every believer. और उसकी हार्दिक इच्छा यही है कि हर एक के अंदर मसीह का रूप बन जाए। हालेलुया, हालेलुया। You know, you will never enjoy a Christian life. आप एक मसीह जीवन का आनंद कभी भी नहीं उठाएंगे। You cannot enjoy a Christian life. मसीह जीवन का आनंद आप नहीं उठा पाएंगे। You know why? आपको मालूम क्यों? Unless you learn to become like Jesus. जब तक आप यीशु के समानता में नहीं बनेंगे। Nobody say hallelujah. कोई हालेलुया नहीं बोल रहा है? Hallelujah. You know how to say हलवा? आपको ना मालूम है हलवा कैसे बोलेंगे? Don't even know that. वो भी नहीं मालूम आपको हलवा बोलने के। हलवा is sweet, isn't it? हलवा मतलब मीठा है। A little continue, hallelujah.
और उसको आगे बढ़ाए, हालेलुया बोले। हालेलुया। वेरी गुड। नाउ आई एम नॉट अ वुमन, और मैं एक स्त्री नहीं हूं, दैट्स व्हाई आई डोंट नो द पेन ऑफ द चाइल्ड बर्थ, और इसलिए जच्चा की सी पीड़ा क्या है मैं नहीं जानता। आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम। एंड आई विल नेवर नो, और मुझे कभी भी नहीं मालूम होगा, बिकॉज आई एम अ मैन, क्योंकि मैं एक पुरुष हूं। आई ट्राई टू अंडरस्टैंड, और मैं समझने का प्रयास करता हूं। आई कम टू वेरी वेरी क्लोज, और बहुत ही नजदीक पहुंचता हूं। देन आई कुडंट अंडरस्टैंड, और फिर भी मैं समझ नहीं पाया। बट आई हैव अ फ्रेंड, लेकिन मेरा एक मित्र है। He said he understood the pain of the childbirth. और उसने कहा जच्चा की सी पीड़ा तो मैं समझ पाया। So I asked him how. मैंने उनसे बोला कि कैसे आपने प्राप्त। So he said in America. उन्होंने कहा कि अमेरिका में। He went with his wife into the labor room. और लेबर रूम में वो अपने पत्नी के संग गए। In America the man is allowed to be with the wife. When a woman go through the childbirth, और अमेरिका में ऐसी प्रथा है कि स्त्री जब प्रसव पीड़ा में गुजरती है उसके पति को वहां रहने की अनुमति है। For comforting, और ताकि वो स्त्री को तसल्ली दे। And also encourage, और ताकि उसको उत्साह दे। So that's why the man is allowed to the labor room. और इसलिए पति को अनुमति है लेबर रूम में प्रवेश करने का। And he is comforting his wife. और वो अपने पत्नी को तसल्ली दे रहा है। He said, "Don't worry." उसने कहा आप घबराए नहीं। Darling, I am here. और प्रिय मैं तुम्हारे संग हूँ। So he gave his hand. और उसने अपने हाथ को बढ़ाया। And his wife. और उसकी पत्नी। Hold his fingers. और उसकी जो उंगली को थाम गई। Two fingers. और दो उंगली। And whenever she go through back pain, और जब कभी वो बहुत असहनीय पीड़ा से गुजरती, terrible pain, और बहुत दर्द से गुजरती, she will twist the hand of the man of God also. और उस पुरुष के अपने पति के उंगली को भी मरोड़ देती। You understand what I'm trying to say? आप समझ रहे मेरी बात को? Whenever she go through the pain, और जब तक वो जब मैं पीड़ा से गुजरती, she will twist the pastor's fingers also. और पासवान के उंगलियों को भी वो दबा देती। So she go through a back pain, pastor go through a finger pain. और वो बहन एक कठोर पीड़ा से और पासवान के उंगली बरोट जाता है। So pastor said after his children grew up, he said, I have suffered the pain for you people to be born. और जब उनके बच्चे बड़े हो गए, पासवान ने उनसे कहा, तुम्हारे जन्मने का पीड़ा मैंने भी सहा है। Along with your mother. तुम्हारे माँ के साथ। Your mother went through a childbirth pain. और तुम्हारी माँ ने जच्चा की सी पीड़ाएं से हो गई। But these two fingers. लेकिन ये दो उंगली had always suffered the pain as well. और इस दर्द को इस दो उंगली ने भी सहा है। Dear friends. और मित्रों, I can tell you one thing. और मैं एक बात आपको बताऊंगा। This pain cannot be described. और ये जो पीड़ा का वर्णन नहीं किया जा सकता। Paul said, पौलुस कहता है, he want to see Christ form in the life of every believer. उसकी इच्छा है कि हर एक विश्वासी के अंदर मसीह का रूप बनते देखें। You know, I was in the business administration class. और मैं व्यवसाय के प्रशासन संबंधी क्लास में था। द टीचर वॉज गिविंग अस अ लेक्चर, और शिक्षक एक अच्छा लेक्चर दे रहा था। एंड द टीचर सेड, और शिक्षक ने कहा, ही सेड, पीपल कॉपी बिजनेस ऑफ सक्सेसफुल बिजनेसमैन, और उन्होंने कहा कि लोग बहुत ही सफल व्यवसाय करने वालों के तौर तरीकों को नकल करते हैं। एंड दे आर नेवर सक्सेसफुल, लेकिन वो कभी भी सफल नहीं होते। If they really want to be successful, अगर वो वास्तविक तौर से सफल होना चाहते हैं, they should not only copy the business, they should copy the lifestyle of the successful man. और वो केवल उस व्यवसाय के तौर तरीके नहीं, उस व्यक्ति के जीवन शैली का नकल करें। Hallelujah. Hallelujah. Unless we copy the lifestyle of Jesus. जब तक हम यीशु के जीवन शैली का नकल ना करें, unless Christ is formed in us, जब तक यीशु का रूप हमें नहीं आए, the message of the cross,
क्रूस का जो संदेश इज इनकम्प्लीट इन आवर लाइफ, हमारे जीवन में पूर्णता प्राप्त नहीं करता, इनकम्प्लीट इन आवर लाइफ, हमारे जीवन में अधूरा रह जाता है. इट विल बी कंप्लीटेड, और वो पूर्णता में आएगा व्हेन वी हैव क्राइस्ट फॉर्म्ड इन आवर लाइफ, जब हमारे अंदर क्रिस्त का निर्माण होगा, क्रिस्त आएगा. सो फर्स्ट थिंग आई वांट यू टू थिंक विद मी, और सबसे पहली बात मैं चाहता हूं आप मेरे साथ सोचें. लूक चैप्टर 6 वर्स 14, लूका चैप्टर 6 अध्याय 6 पद 14, 40 पद, लूका 6:40 पद. अ स्टूडेंट इज नॉट अबव द टीचर, बट एवरीवन हु इज फुली ट्रेन्ड will be like his teacher. और यहाँ पर लिखा है, चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं, परंतु जो कोई सिद्ध होगा, वो अपने गुरु के समान होगा. You know, in the first church, प्रथम कलीसिया में, there was a practice of a discipleship. और एक चेलापन की प्रथा वहाँ पर था. Anybody come to Christ? कोई भी प्रभु यीशु मसीह के पास आता था, have to be a disciple first. और उसको सर्वप्रथम चेला बनना था. Disciple means a learner. और चेला का मतलब सीखने वाला. They need to learn about what Jesus wants. उनको सीखना था कि यीशु मसीह उनसे क्या प्रतीक्षा करता है. Hallelujah. Hallelujah. There is no Christian without being a disciple. और ऐसा कोई मसीह नहीं है जो चेलापन के बगैर मसीह बन सकता है. In Acts chapter 11:26 says, प्रेरितों के काम 11 का 26 में लिखा है, the disciples were called first Christians. और चेले सर्वप्रथम मसीह कहलाए गए. You know, it is not Christians became disciple, but disciple became Christian. ये नहीं कि मसीह चेला बन गए, लेकिन चेले मसीह बन गए. Today we have a problem in the churches. और आज हमारे कलीसियाओं में कुछ समस्या है. We have church members, no disciple. हमारे पास कलीसिया के सदस्य हैं, लेकिन चेले नहीं हैं. We have no disciple. हमारे पास चेले नहीं हैं. People don't learn the ways of Jesus. लोग प्रभु यीशु मसीह के तौर तरीकों को नहीं सीखते हैं. That's why they cannot become like Jesus. और इसलिए यीशु के समान वो नहीं बन पाते. The Lord Jesus said, यीशु मसीह ने कहा, a student is not above the teacher. और कोई भी छात्र गुरु के समान नहीं होगा. स्टूडेंट इज नॉट अबव द टीचर, चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं है. बट लेकिन एनीवन हु इज फुली ट्रेन्ड, कोई भी जो सिद्ध होगा. द वर्ड सिद्ध इज इन हिंदी, या हिंदी में पद सिद्ध है. सिद्ध हियर मींस, और सिद्ध का मतलब यहां पर है फुली ट्रेन्ड, और पूरी तौर से प्रशिक्षित. You need to be fully trained. आपको पूरा प्रशिक्षण पाना है. To be like Jesus, यीशु मसीह के समान होने के लिए, we need to be fully trained. आपको पूरी तौर से प्रशिक्षण पाना है. That's what in Matthew 11 chapter. और इसलिए मत्ती 11 अध्याय में, verse 28 and 29, 28 और 29 पद में, Jesus said here. यीशु मसीह ने कहा. Jesus told his disciples. यीशु मसीह ने चेलों से कहा. He said to them, उसने कहा, I want you to read quickly with me. मैं चाहता हूं आप मेरे साथ जल्दी से पढ़ें उस पद को. He said, उसने कहा, whoever is in a heavy laden, और हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, come unto me, मेरे पास आओ, I'll give you rest, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा. Then he said, I am meek and humble, और उसने कहा कि मैं नम्र और मन में दीन हूं. Learn of me, और मुझसे सीखो. He said, Jesus teaches us. और यीशु मसीह हमको सिखाता है. How should we be in our attitudes? कि हम अपने मनोभावनाओं में कैसे हो. He want to teach us. वो हमको सिखाना चाहता है. He said, I am humble. उसने कहा मैं नम्र हूँ. Hallelujah. Hallelujah. That Jesus want us. और यीशु चाहता है कि हम भी to learn from him. कि उससे सीखे. Now second thing I want you to do. अब दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ. When we learn Ephesians chapter 4, Ephesians चौथा अध्याय जब हम देखते हैं, 11 to 13, और 11 से 13 पद तक, there are fivefold ministry, और पांच पहलों की सेवा वहां पर है. Apostle, prophet, evangelist, pastor and teachers, और भविष्यवक्ता, प्रेरित और पासबान और शिक्षक और सुसमाचारक. When the Bible says, और बाइबल बताती है, the Bible tells us,
बाइबल बताती है the fivefold ministry, ये पांच पहलों की सेवा it's not a just a title, और ये केवल पद की बात नहीं है it's not talking about position, और ये केवल कोई पद के बारे में नहीं बता रहा है it is talking about responsibility, और ये उत्तरदायित्व का संकेत देता है the responsibility is, और उत्तरदायित्व है to train the church, कि कलीसिया को शिक्षित करें the new believers coming in, नए विश्वासी जो आते हैं टू ट्रेन द चर्च और कलीसिया को हम प्रशिक्षित करें टू मेक देम रेडी फॉर द मिनिस्ट्री ताकि सेवा के कार्यों के लिए उनको सुसज्जित करें यूनिटी ऑफ फेथ और विश्वास की एकता में एट द एंड टू बिकम लाइक जीसस और उसका अंत यीशु के समानता में वो बन जाए हालेलुया हालेलुया अनलेस वी बिकम लाइक जीसस और जब तक हम यीशु के समानता में न होंगे अनलेस क्राइस्ट इज फॉर्मड इन अस जब तक मसीह हमारे अंदर रूप ना ले the Bible says, बाइबल बताती है we are not yet perfected. हम अभी तक सिद्धता नहीं पहुंचे हैं Now, John chapter 8 verse 31, और योहन्ना 8 अध्याय उसका 31 पद Jesus said, यीशु मसीह ने कहा If you continue in my words, अगर तुम मेरे वचन में बने रहोगे then you are my disciples indeed. तो सचमुच तुम मेरे चेले ठहरोगे You know what? आपको मालूम? A disciple, एक चेला, is not the person who comes to church, और वो ऐसा व्यक्ति नहीं कि केवल कलीसिया में आता है, who pray in name of Jesus, यीशु के नाम में प्रार्थना करता है, who is a member of a church, वो कलीसिया का सदस्य है, but the Bible tells us, लेकिन बाइबल बताती है, a disciple of Jesus, यीशु का चेला वो है, is the one who continue living in the words of Jesus. यीशु के वचन में वो निरंतर बना रहता है Then the Bible says, और फिर बाइबल बताती है 32nd verse, और उसका 32वीं पद Then the Bible says, और उसके बाद बाइबल बताती है You will know the truth, तुम सत्य को जानोगे Then the truth shall set you free. और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा A lot of time, अनेक बार पीपल कम टू चर्च लोग कलीसिया में आते हैं they don't learn, वो सीखते नहीं they don't live continually in the words of Jesus, यीशु मसीह के वचन में निरंतर जीवन नहीं निभाते so what happened, क्या होता है they are not set free. वो आजाद नहीं होते they believe Jesus, यीशु पर विश्वास करते हैं but they are tied with the demons, लेकिन दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त है and they are having problems with evil spirit, और दुष्ट आत्माओं के साथ उनके नाना प्रकार की समस्या And they have different type of bondages in life. और अलग-अलग जीवन में बंधनों में फंसे हुए हैं. But when you know the truth, लेकिन जब आप सत्य को जानेंगे, when you practice the truth, और सत्य को व्यवहारिक करेंगे, the demon cannot live in you. और दुष्ट आत्मा आपके अंदर वास नहीं कर सकता है. Because the power of God will flow and live in through and through you. और क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ आपके अंदर से प्रवाह करेगा आपके अंदर से बह निकलेगा हालेलुया हालेलुया कैन यू से हालेलुया क्या आप हालेलुया बोल सकते हैं हालेलुया हालेलुया गॉड वांट्स अस परमेश्वर चाहता है हमको टू बी फ्री कि हम आजाद हो इन ऑर्डर टू बी फ्री आजाद होने के लिए वी नीड टू कंटिन्यू इन द वर्ड्स ऑफ जीसस हमें यीशु के वचन में निरंतर बने रहना है यू नो First Peter 2:21 says, पहला पत्रस 1 का 21 में लिखा है First Peter 2:21 पहला पत्रस 2 का 21 में लिखा है Leaving you an example, he left you an example. और उसने तुम्हारे लिए एक उदाहरण छोड़ा है You know, Jesus, यीशु, did not live on earth 80 years. और यीशु मसीह पृथ्वी पर 80 साल नहीं रहे Don't you wonder? क्या आप अचंभित नहीं होते सो मेनी गुरुज लिव फॉर सो मेनी इयर्स और बहुत से धर्म गुरु अनेक साल जीवन बिताते हैं जीसस ही फुलफिल हिज फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी यीशु मसीह ने अपने पारिवारिक उत्तरदायित्व को निभाया देन 3.5 years ओनली ही प्रीच द गॉस्पल ट्रांसफॉर्म पीपल हील डिलीवर और 3.5 साल तक उन्होंने सेवा निभाया और लोगों के प्रति उन्होंने छुटकारा निभाया Why only 3.5 years? 3.5 साल तक ही क्यों That is only to disciple a group of people.
और इसलिए कि एक झुंड के लोगों को चेला बनाए, only 12 of them, और केवल 12 लोग, then multiplied to 120, और जो 120 में बढ़ गया, then numbers multiplied, और उसके साथ वो और तीव्र गति से बढ़ता गया, what these people do, इन लोगों ने क्या किया, they learned, उन्होंने सीखा, and received the Holy Spirit, पवित्र आत्मा को पाया, and Jesus resurrected, और यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ, went to the Father, पिता के पास गया, sat on the right hand, और उसके दाहिनी ओर बैठा, send His Holy Spirit, और उसके पवित्र आत्मा को भेजा, the Holy Spirit dwell in the life of people who believe, और पवित्र आत्मा उनके अंदर वास करता है जो विश्वास करते हैं, they have crucified their flesh on the cross, और उन्होंने अपने शरीर को क्रूस पर क्रूसित कर दिया है, and the Holy Spirit can live and dwell in them, और पवित्र आत्मा उनके अंदर वास कर सकता है, and Christ is formed in them, और क्रिस्त का रूप उनके अंदर बन जाता है, and work through them, और उनके अंदर से कार्य करता है. Jesus didn't come to live for life long, और यीशु मसीह जीवन भर जीने के लिए नहीं आए. He only came to train us. और वो केवल हमको प्रशिक्षित करने के लिए आए. He don't want to touch the whole world. और वो पूरे संसार को छूने नहीं चाहता है. He only show how we can touch the world. और वो हमको बताया कि हम संसार को कैसे छू सकते हैं. Hallelujah. Hallelujah. We can touch the world. हम संसार को छू सकते हैं. We are the people Jesus want to touch the world. और हम ही हैं वो लोग जिनके द्वारा परमेश्वर यीशु मसीह संसार को छूना चाहता है. Can you say hallelujah? क्या आप हालेलुया बोलेंगे? It is you that God have chosen. जी हाँ, आपको प्रभु यीशु मसीह ने चुना है. It is you that God want Christ to be formed in you. और आपके अंदर यीशु मसीह का रूप बनना जरूरी है. Unless Christ is formed in you, और जब तक यीशु मसीह आपके अंदर नहीं बनता, we struggle in ministry, और सेवा में हम संघर्ष करते हैं. We struggle in Christian life, मसीह जीवन में हम संघर्ष सहते हैं. We struggle in everything we do, और जो कुछ हम करते हैं उसमें बड़ा संघर्ष होता है. When Christ is formed in us, लेकिन जब क्रिस्त हमारे अंदर निर्माण होता है, our life is different, हमारा जीवन व्यत्यस्त है. Our attitude changes, हमारे भावनाओं में बदलाव आता है. Everything is different, और सब कुछ भिन्न हो जाता है. Now here I want to tell you the third thing. और यहां पर मैं तीसरी बात आपको बताऊंगा. How Christ could be formed in us. और किस प्रकार क्रिस्त का रूप हमारे अंदर आ सकता है. Quickly, I have a little time only. Let me continue quickly. और थोड़ा सा समय जो है मेरे पास, मैं जल्दी से आगे बढ़ूंगा. In China, और चीन में, there was a woman Bible study group was there. और एक महिलाओं का बाइबल अध्ययन का एक झुंड था. There was no Bible teacher. और कोई बाइबल शिक्षक नहीं था. In underground church. और ये गुप्त में जो कलीसिया इसके बारे में है. They have no sign board. और उनके पास कोई भी चिन्ह और बोर्ड नहीं है. They're church. और वो कलीसिया है. They're underground church. और वो गुप्त की कलीसिया है. Now, the woman Bible study, और जो बहनों का जो बाइबल अध्ययन का झुंड है, the women continue to meet with each other, और ये बहन लोग आपस में मिलते रहे, and they teach each other, और एक दूसरे को शिक्षा दे रहे थे, they share with each other, एक दूसरे से बांटते थे. So one day, एक दिन, they were studying book of Malachi, और मलाकी की किताब का अध्ययन कर रहे थे, and they reached to Malachi 3:3. और मलाकी की किताब तीसरा अध्याय तीसरे पद में पहुंचे. I want you to read this verse. और मैं चाहता हूं कि उस पद को आप पढ़ें. मलाकी 3:3. और मलाकी 3:3. And they couldn't understand. और उसको समझ नहीं पाए. मलाकी 3:3. और मलाकी 3:3. Says. इस प्रकार कहता है वहां पर. He would sit as a purifier of a silver. और वो रुपए का ताने वाला करने वाले के रूप में बनेगा. एंड विल सैंक्टिफाई द चिल्ड्रन ऑफ लेवाइट्स. और वो लेवियों को शुद्ध करेगा. हालेलुया. हालेलुया. व्हेन दोस लेडीज वर रीडिंग दिस, और जब ये महिलाएं ये पद को पढ़ रहे थे, दे सेड, उन्होंने कहा, दैट्स वेरी स्ट्रेंज वर्ड. और ये बहुत ही विचित्र पद है. गॉड इज सेइंग, परमेश्वर कह रहा है, he would sit,
he would sit. और वो बैठेगा. Number one. और पहली बात. Number one, he will sit. और एक तो वो बैठेगा. And purify. और वो शुद्ध करेगा. Silver. और रुपए को. So they don't understand. उनको समझ में नहीं आ रहा. So the leader said. और अगुवे ने कहा, the woman leader said, और महिला का जो अध्ययन ने कहा, let's go back home, आप घर में जाएं, and study again, और फिर से अध्ययन करें, and prepare, और तैयार करें, next week when we come, अगले सप्ताह जब मिलेंगे, we will study together, हम मिलकर अध्ययन करेंगे, and while this was happening, और जब यह हो रहा था, the woman leader, और जो महिलाओं का अगुआ, the Bible study leader, Bible का अध्ययन के अगुआ, she went to the silversmith. और वो चांदी तय करने वाला वो सुनार के पास गए. Then when he went there, और जब वो गई वहां पर, she went there, जब वो गई, the silversmith, the shop was closed. और उसने देखा कि वो दुकान बंद पड़ा हुआ था. And signboard was written there, और वहां पर एक चिन्ह लगा हुआ था. After half an hour, आधा घंटे के बाद, the shop will be open. दुकान खुल जाएगा. And she went there. और जब वो गई, half an hour after, आधा घंटे के बाद, shop was open, और दुकान खुला हुआ था, and she asked the silversmith, और उसने उस सुनार से पूछा, did you went for food? और क्या आप खाने के लिए गए? He said no, नहीं मैं खाने के लिए नहीं गया. Why did you close the shop? तो फिर आपने भाई साहब दुकान क्यों बंद किया? He said, उसने कहा, I was purifying the silver. और मैं चांदी को शुद्ध कर रहा था. So she said, oh, wonderful. और उसने कहा, बहुत अद्भुत बात. I just came to ask you how you purify silver. मैं इसलिए आई कि तुमसे आपसे पूछूं कि चांदी को आप कैसे शुद्ध करते हैं. The silversmith said, और उस सुनार ने इस प्रकार कहा, when I purify the silver, और जब मैं चांदी को शुद्ध करता हूं, it's so important, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, I have to give fire, और मुझे आग बिल्कुल तेज लगाना है, I have to put fire, और मुझे आग डालना है, in the same time, और उसी समय, I have to fix my eyes upon the silver, और मुझे अपनी आग बिल्कुल टकटकी उस चांदी पर लगाना है, that I may not give more fire than requirement, ताकि मैं उससे ज्यादा जो जरूरत है आग उस पर ना डालूं. If the fire is more then the silver is able to bear, aur agar aag us chandi ki kshamta se zyada hai, and then the silver will damage, aur tab wo chandi ko nuksan ho jayega. So I have to keep my eyes, aur isliye mujhe apni aankhon ko bilkul lagana hai. So the woman said, oh wonderful, aur us behan ne kaha, oh kitna adbhut baat. God sometimes allow us to go through fire, aur parmeshwar anek bar hame aag se guzarne ke liye deta hai. Hallelujah, hallelujah. But one interesting thing is his eyes are upon us, lekin rochak baat hai ki uski aankhein hamare upar laga hua hai. He makes us fire upon us just to purify our life, aur hamare andar wo aag dalta hai ताकि हमारे जीवन को शुद्ध करे. In the seven churches of book of Revelation, प्रकाशित वाक्य के सात कलीसियाओं में हम देखते हैं, the Smyrna and Philadelphia, two churches have no fault in them. और स्मिर्ना और फिलाडेल्फिया दो कलीसियाओं में कोई त्रुटि नहीं पाया गया. Because they were going through the fire, क्योंकि वो आग से गुजर रहे थे. Hallelujah, hallelujah. Romans chapter 5 verse 3 to 5 says, Romi 5 3 se 5 mein likha hai, we rejoice in tribulation, hum klesh mein aanand uthate hain. Hallelujah, hallelujah. We rejoice in tribulation, hum klesh mein aanand uthate hain. The tribulation brings perseverance, aur jo klesh hai hamare andar dheeraj utpann karta hai. And the perseverance brings out a character, aur dheeraj se charitra utpann hota hai. And character gives us a hope, aur charitra hame aasha pradan karta hai. Hallelujah, 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 hallelujah. She was so happy, aur ye behan bahut khush thi. And before she went out, aur jaane se pehle, oh she said, oh one thing more I want to ask you, usne kaha mujhe ek aur baat puchna hai. Silversmith said, what do you want to know? Aur sonar ne pucha, aapko kya jankari chahiye? She said, उसने कहा, but the last question I want to ask, आखिरी सवाल जो मैं पूछना चाहती हूँ, when do you come to know the silver is ready now? और आपको कैसे मालूम कि चांदी बिल्कुल तैयार हो गया है? When will you come to know? When do you come to know silver is purified? और कब आपको पता चलता है कि यह चांदी बिल्कुल तैयारी की अवस्था में है? The silversmith smiled, और सोनार ने मुस्कुराया. He said,
और उसने कहा आपको मालूम है I come to know silver is ready और मुझे पता है कि ये चांदी बिल्कुल तैयार है When I can see my face on silver जब मैं अपने चेहरे को उस चांदी में देख सकूं Hallelujah When I see my face on silver जब मैं अपने चेहरे को उस चांदी में देख सकूं I know now silver is ready मैं जानता हूं कि चांदी अभी तैयार हो गया Unless I can see my face on the silver और जब तक मैं अपने चेहरे को चांदी में ना देखूं I keep on giving fire मैं उसमें आग लगाते जाता हूं Hallelujah 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 You know a wonderful way to celebrate this Good Friday and Easter और ये अद्भुत तरीका है कि ये Good Friday और Easter का हम जश्न मनाएं Learning the word of God प्रभु के वचन का मनन करना Becoming like Jesus यीशु के अनुरूप बनना Going through the fire और उस आग में से गुजरना Going through the fire और उस आग के बीच में से गुजरना As we improve और जैसे वो हमारे अंदर बनता है God want to purify us परमेश्वर हमको शुद्ध करना चाहता है God want to see himself in us परमेश्वर अपना रूप हमारे अंदर देखना चाहता है Hallelujah 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 I have 5 moments So here quickly I go with you और यहां पर जल्दी से मैं आपके सामने रखूंगा The Bible tells us बाइबल बताती है Paul said, पौलुस ने कहा As I follow Christ, you follow me. और जैसे मैं क्रिस्त का अनुकरण करता हूं तुम भी मेरा अनुकरण करो 1 Corinthians 11 chapter verse 1 says, Paul said, As I follow Christ, you follow me. और पहला कुरिन्थी 11 के 1 में लिखा है जैसे मैं मसीह के पीछे चलता हूं वैसे ही मेरी चाल चलो यू नो एवरी मैन ऑफ गॉड इज सपोज्ड टू बिकम लाइक जीसस और प्रत्येक व्यक्ति यीशु के अनुरूप बनना जरूरी है एंड द चर्च मस्ट लर्न फ्रॉम द मैन ऑफ गॉड एंड टू बिकम लाइक जीसस और कलीसिया को उस परमेश्वर के जन से सीखना है यीशु के स्वरूप में बनने के लिए वी आर नॉट कॉल्ड टू बी बेनीहिन और हम सबको बेनीहिन होने के लिए नहीं बुलाए गए We are not called to be any other preacher. और हमें और कोई प्रचारक होने के लिए नहीं बुलाया गया called to be like Jesus. हम यीशु के समान बनने के लिए बुलाए गए Hallelujah. Hallelujah. We are called to become like Jesus. आपको यीशु मसीह के अनुसार बनने के लिए बुलाए गए हैं We are not called To be following the example of Moses. और हमें मूसा का उदाहरण का अनुकरण करना नहीं है We are not called to follow the example of David. और दाऊद का उदाहरण के पीछे चलने के लिए नहीं बताया गया We are not called to be followers of any other man of God in the Bible. और बाइबल के और कोई पात्र का अनुकरण करने के लिए हमें नहीं बुलाया गया But except Jesus. यीशु का अनुकरण करने के लिए बुलाया Only गया Only Jesus. यीशु का अनुकरण करना Only Jesus. केवल यीशु Only Jesus. केवल यीशु मसीह Why? क्यों Because He alone क्योंकि वो केवल is the overcomer और वही जय पाने वाला प्रभु है He alone और केवल वही has resurrected from the dead वो मृतकों में से जी उठा प्रभु है and if we follow his example और अगर हम उसके उदाहरण का पीछा करें if we die with him अगर हम उसके साथ मरेंगे the bible say we will raise with him बाइबल बताती है कि हम उसके साथ जी उठेंगे if we live like him अगर हम उसके समान में We will be also overcoming. हम भी जय पाने वाले बनेंगे. The Lord Jesus wants us. प्रभु यीशु मसीह चाहता है. To live a life. कि जीवन हम जिए. A lifestyle of Jesus. एक यीशु मसीह के जीवन शैली को अपनाएं. Hallelujah. 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 My time is over. और मेरा समय समाप्त हो गया. But I want to leave a word for you. लेकिन मैं आपके लिए एक संदेश छोड़ना चाहता हूँ. God. परमेश्वर. Has a plan. एक योजना रखता है His body उसकी देह is a body और वो एक रूप है and he is a head और वो सर है the church is a body और कलीसिया देह है he is a head और वो सर है when the church comes और कलीसिया जो है the people see them और लोग देखते हैं कलीसिया like Jesus coming
कि यीशु आ रहा है. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. We will not enter alone to heaven. और हम अकेले में स्वर्ग में नहीं जाएंगे. A lot of people think that we will enter heaven alone. और बहुत से लोग सोचते हैं मैं अकेला स्वर्ग में प्रवेश करूंगा. I will never set private entry anywhere. और बाइबल नहीं बताया है कि व्यक्तिगत तौर से आपका प्रवेश होगा. The Bible says. बाइबल बताती है. When Jesus comes, यीशु जब आता है, His body, उसकी देह, the church, कलीसिया, shall be raptured. वो उठाया जाएगा. We'll enter together. और अब मिलकर प्रवेश करेंगे. We will be like Jesus. अब यीशु के समान में हो जाएंगे. And we shall enter. और हम उसमें प्रवेश करेंगे. Not alone. अकेला नहीं. Not private entries. और व्यक्तिगत प्रवेश नहीं. Not one first and second after. और ये नहीं कि एक पहले और दूसरे बाद में. All will enter together. और हम मिलकर उसकी देह प्रवेश करेंगे. But the head must have Jesus. और लेकिन सर यीशु मसीह है. Must look like Jesus. और हमें यीशु के समान में बनना है. Only that face. और केवल वही चेहरा. That look. और वही देख. That sample. और वही उदाहरण. Belong to heaven. और वो स्वर्ग का है. May the Lord bless you. प्रभु आपको बहुत आयत से आशीष दे. Thank you, Pastor. We want to conclude this section. After that, we can do after pray for the second. Then, what do? अभी हमें प्रार्थना के साथ सभा अभी हम समाप्त करेंगे. उसके बाद अब किसी को बीमारी है, किसी को प्रार्थना चाहिए, अब आगे आइए. प्रभु का दास लोग और हमारा बीच में पास्टर योनाथन अंसर आपके लिए प्रार्थना करेंगे. अभी पास्टर माणी आगे आके प्रार्थना करेंगे. पास्टर पीएल जॉन उसका आशीष का वचन बोलेंगे. प्रेज द लॉर्ड. നല്ലവനായിരിക്കുന്ന ദൈവമേ, സ്വർഗീയ പിതാവേ, അനുഗ്രഹീതമായിരിക്കുന്ന നല്ല നിമിഷങ്ങൾക്കായിട്ട് സ്തുതിക്കുന്നു. ഇടവിലേറെ സാന്നിധ്യം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഈ മനോഹരമായ രാത്രിയിൽ ഇടമാറ്റമില്ലാത്ത വചനത്തിന്റെ ശബ്ദം ഞങ്ങളെ കേൾപ്പിച്ചത് ഓർത്ത് സ്തുതിക്കുന്നു. അത് നിന്റെ വചനം ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ അനുഗ്രഹമാക്കി തീർക്കുന്ന ദൈവമാണ്. വളരെ വിടുതലുകളിലേക്ക് ഞങ്ങളെ നടത്തുന്ന ദൈവമാണ്. ഞങ്ങളുടെ മുൻപിലേക്ക് ഞങ്ങളെ തന്നെ സമ്പൂർണമായി ഏൽപ്പിക്കുന്നു. രാത്രികാലം കർത്താവിന്റെ വചനവുമായി ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കടന്നു വന്ന ദാസന്മാരെ ദൈവാത്മാവേ അങ്ങ് അവിടുന്ന് അഭിഷേകം ചെയ്ത് ഓർത്ത് സ്തുതിക്കുന്നു. അഭിഷേകത്തിന്റെ ദൂത് ജനഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് ദൈവാത്മാവ് രാത്രികാലം അവിടുന്ന് രൂപാന്തരപ്പെടുത്തിയതായ കൃപകൾക്കാണ് സ്തുതിക്കുന്നു. വിടുതൽ നൽകിയ ദൈവത്തിനായ സ്തുതിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. അനുഗ്രഹം പകർന്ന ദൈവത്തിനായ സ്തുതിക്കുന്നു. കർത്താവേ ഹല്ലേലൂയ. രാത്രികാലം കടന്നു വന്ന എല്ലാവരും ദൈവത്താൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരായി ആത്മീയ സന്തോഷം പ്രാപിക്കപ്പെട്ടവരായി ഇന്ന് രാത്രികാലം മടങ്ങി പോകുവാൻ ദൈവാത്മാവ് സഹായിക്കുമാറാകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവേ. ഹല്ലേലൂയ. പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. ഇന്ന് രാത്രികാലം